हेलो फ्रेंड्स, मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रू वायरल स्टोरी। इनकम टैक्स की रिटर्न जमा होती है, तो इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करने से पहले उसमें एक रजिस्ट्रेशन किया जाता है, और वो रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं करेंगे जब तक आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा हो ही नहीं सकती, क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन उसके बाद वहाँ पर ऑप्शन होता है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा इनकम टैक्स में आप रजिस्ट्रेशन किस तरह करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। आप मेरे वीडियो देखते हैं और आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू वायरल स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करने का, आपको सिर्फ सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है, और साथ में एक घंटी का निशान होगा उस पर क्लिक करना नहीं भूलिएगा। अगर उस पर आप क्लिक कर देंगे तो मैं जब भी अपनी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न जमा करनी है तो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स में एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स की रिटर्न जमा नहीं हो सकती। ऊपर लिखा हुआ है, देखिए लॉगिन, और उसके बराबर में लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, तो हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस खुलेगा और उसमें फिर हमें नेम वगैरह देना होगा। ये लोडिंग हो रही है वेबसाइट, ये देखिए खुल गई। अब दो ऑप्शन है, अदर और टैक्स पेयर, तो हम यहाँ पर टैक्स पेयर पर क्लिक करेंगे। टैक्स पेयर पर क्लिक करने के बाद नीचे पेन लिखा हुआ है, यहाँ पर हम अपना पेन नंबर देंगे जिसका रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ वैलिडेट करेंगे तो इसका मतलब नीचे लिखा हुआ आ गया सक्सेस, पेन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पर इस मतलब ये हो गया पेन आपका सही है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल है तो यहाँ यस करेंगे, और यहाँ कंटिन्यू पर करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ पर अपनी डिटेल भरेंगे, यहाँ लास्ट नेम देना है और नीचे मिडिल नेम और फिर फर्स्ट नेम। तो मेरे केस में मिडिल नेम नहीं है, तो मेरे केस में लास्ट और फर्स्ट नेम है, तो मैंने लास्ट नेम दे दिया। अब मैं इसमें फर्स्ट नेम दूंगा, ये देखिए मैंने फर्स्ट नेम दे दिया है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फीड करना है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले ईयर को चुनेंगे, ईयर को चुनने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ सिलेक्ट करेंगे कौन सी ईयर है। यहाँ देखिए शो नहीं हो रही, तो बैक करेंगे तो यहाँ शो हो गई। यहाँ पर जो भी ईयर है उस पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद जो भी मंथ है मंथ पर सिलेक्ट करेंगे, तो मैंने मंथ पर कर दिया। अब उसके बाद जो डेट है डेट पर सिलेक्ट कर दिया मैंने, अब ये मेरी डेट ऑफ बर्थ शो हो गई। अब यहाँ पर सिलेक्ट करना है जेंडर, जेंडर में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर दिया हुआ है तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट है तो रेजिडेंट, नॉन पे नॉन, तो मैंने रेजिडेंट सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए सिलेक्ट करने के बाद फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें देना है प्राइमरी मोबाइल नंबर, यानी जो हमारा मोबाइल नंबर है वो देना है, तो हमने मोबाइल नंबर दे दिया। और यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि ये नंबर किसका है, भाई का है, बहन का है, फ्रेंड का है या सेल्फ का है, तो हम सेल्फ को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आपका ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी डालेंगे, और यहाँ पर भी सिलेक्ट करेंगे कि वो किसका है, सिस्टर का, ब्रदर का, फ्रेंड का या सेल्फ का है, तो हम सेल्फ को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा ईमेल आईडी सेल्फ का है। उसके बाद हमारा नीचे लैंडलाइन नंबर है तो हमारे पास नहीं है इस टाइम, हम नहीं देंगे। हम यहाँ इंडिया कंट्री इंडिया सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो भी फ्लैट का नंबर वगैरह है घर का नंबर देंगे, यहाँ पर एरिया का नाम देंगे, ये देखिए एरिया का नाम मैं दे रहा हूँ, और इसके बाद पिन कोड डालेंगे जो भी एरिया का पिन कोड है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पिन कोड डाल दिया है, और पिन कोड जैसे ही मैंने डालूंगा तो पोस्ट ऑफिस के ऑप्शन में कई एरिया के नाम आएंगे, तो जो मेरा एरिया पड़ता है उसको सिलेक्ट करना है, तो मैंने सिलेक्ट कर दिया।
एरिया लोकेलिटी में भी सिलेक्ट करना है। इसमें ऑटोमेटिक फीड होकर आएगा, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है और यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा और स्टेट भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे वैसे जो आपने मोबाइल नंबर दिया था और जो आपने ईमेल आईडी दी थी उन दोनों पर ओटीपी जाएगा, तो उन दोनों का अलग अलग ओटीपी जाता है, तो वो हम इसमें ओटीपी देंगे मोबाइल में और ईमेल का दोनों का। यह मैंने ओटीपी दे दिया दोनों को और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको वेरीफाई करनी है अपनी डिटेल कि कोई डिटेल हमारी गलत तो नहीं है, एड्रेस वगैरह हमारा कोई गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो हम उसको सही करेंगे और अदरवाइज़ हम इसको स्क्रॉल डाउन करके ये कंफर्म कर देंगे। ये हमने कंफर्म पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हमें देना है अपना पासवर्ड, जो भी हमने पासवर्ड बनाना है, लेकिन उसमें कुछ रूल हैं कि आपको क्या क्या चाहिए पासवर्ड में। तो पासवर्ड में अपर केस चाहिए, लोअर केस चाहिए और स्पेशल करेक्टर चाहिए, है ना, और न्यूमेरिक भी चाहिए उसमें। तो इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा, चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। तो ये मैंने अपना पासवर्ड देखिए दिया है और अब फिर कंफर्म पासवर्ड सेम वही पासवर्ड होना चाहिए जो आपने ऊपर दिया है। अगर आप यहाँ गलत डालेंगे तो फिर ये आगे प्रोसेस नहीं होगा। उसके बाद नीचे है सेट योर पर्सनलाइज मैसेज, यहाँ पर आप जो मर्जी चाहें वो पर्सनलाइज मैसेज इसमें लिख सकते हैं। ये मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख दीजिए आप। और इसको फिर इस नीचे देखिए रजिस्टर पे लिखा हुआ है, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली आ गया हमारा। अब हमें लॉगिन करना है, चेक करना है कि हमारा पासवर्ड वगैरह सही है या हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया या नहीं हो गया। तो यहाँ पर हम यूज़र आईडी में अपना पिन नंबर देंगे, पिन नंबर ही हमारा यूज़र आईडी होता है। अब ये कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड देंगे और ये देखिए हमने पासवर्ड दे दिया और कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये हमारा लॉगिन हो जाएगा। अब हम कोई सी भी इसमें रिटर्न जमा कर सकते हैं, चाहे वो रिटर्न ITR 1 हो, ITR 2 हो, ITR 3 हो, ITR 4 हो, यहाँ पर हम कोई सी भी ITR जमा कर सकते हैं। इसकी ITR कैसे जमा होगी उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं और मैं उसका लिंक भी दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के क्लिक करेंगे तो वो आपको खुल जाएगा किस तरह से इनकम टैक्स रिटर्न जमा करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप सीख गए होंगे कि इनकम टैक्स में किस तरह रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो पर लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि और लोगों को भी पता चल सके कि इनकम टैक्स की रिटर्न जब जो जमा होती है उसके लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है वो किस तरह किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।